आज छत्तीसगढ़ में एक ऐसी प्रदेश की सरकार है जो पुरानी वाली राजनीति के असूलों पर चल रही है। केंद्र की सरकार ने गरीबों और मिडिल क्लास से छीना है और छीन के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सींचा है। छत्तीसगढ़ की इस प्रदेश सरकार ने एक एक पैसा आपके जेब में वापस डाला है। महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीमें की हैं वो इस भावना को मन में रखते हुए की हैं कि महिला क्या है और कितना बोझ उठाती है। इस देश की रीढ़ की हड्डी है महिला, मेरी बहनें, समाज का, परिवार का पूरा बोझ आप उठाती हैं। मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि जानते हैं कि चाहे आप बाहर जाएं काम करने के लिए, तब भी आप घर आएं तो आपको घर का काम करना पड़ता है, आपको परिवार में बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है और आप मुस्कुराते हुए ये बोझ उठाती हैं। मैं जानती हूं कि रात को आखिर में सबसे आखिर में जो सोती है वो महिला होती है। जब सारा घर साफ हो जाता है, चाहे कहीं की भी हो, चाहे वो गरीब महिला हो, चाहे बड़े घर की महिला हो, लेकिन परिवार का बोझ, समाज का बोझ भी उठाती है और जो हमारी संस्कृति है, हमारे असूल हैं, जिस पर अगली पीढ़ी का भविष्य बनता है, वो भी महिलाएं बनाती हैं और महिलाएं उसकी रखवाली करती हैं। तो यही भावना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई और महिलाओं के लिए, आपको और भी सशक्त बनाने के लिए तमाम स्कीमें भूपेश बघेल जी की सरकार ने आगे बढ़ाई। 10 लाख से अधिक महिलाएं 2018 से स्वयं सेवा समूह में जुड़ी हैं। मैं उनसे बातचीत करते हुए कह रही थी कि जो पहले कमा नहीं पा रही थी उन्हें मौका मिल गया, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, उस छोटे से व्यापार के जरिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया, आगे बढ़कर थोड़ा अपने घर के लिए कुछ खरीद लिया, एक सिलाई की मशीन, कुछ बकरे, एक गाय, और उसके जरिए फिर उस माध्यम से फिर और कमाने लगी और आगे बढ़ी। सरकार स्कीम लाई, उन स्कीमों के तहत और भी कमाई हुई और मुस्कुराकर मुझे कह रही थी कि कुछ ऐसे स्वयं सेवा समूह हैं जिन्होंने हजारों लाखों रुपए कमा लिए हैं। इसी तरह से जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं, उनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए बनाकर उनकी मदद कराई, सहायिका को भी मदद की, उनका भी मानदेय बढ़ाया, मिनी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं का भी 7,500 तक बढ़ाया, मितानिन बहनों की प्रतिमाह 2,200 रुपए की आय उनको भी दिलवाई, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से जो कुपोषित महिलाएं हैं उनका भी लाभ हुआ, दाई दीदी क्लिनिक शुरू करवाई जिससे महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित क्लिनिक बनी जिससे निशुल्क इलाज हो रहा है, महतारी जतन योजना एक ऐसी योजना जिससे गर्भवती महिलाएं को अच्छा भोजन मिलता है, उनको पौष्टिक भोजन मिलता है, सरकारी स्कूलों में लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा दिलवाई, स्वामी आत्मानंद स्कूल में 50% महिला का आरक्षण हुआ। मैं कुछ छात्राओं से मिली, इतनी खुश लग रही थी, कह रही थी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत खुश थी, उनपे अपने आप पर गर्व था। महिला स्वयं सहायता समूह में करोड़ों के लोन माफ किए गए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से श्रमिकों की बेटियों को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद मिली, गोठान समितियों में हजारों महिलाओं को रोजगार मिला, मिशन क्लीन सिटी परियोजना के तहत
हजारों महिलाएं कार्यरत हुई और ऐसी बहुत सारी और स्कीमें प्रदेश सरकार ने खास तौर से मेरी बहनों के लिए लागू की। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार का आपके लिए एक विजन है और वो आज तक सीमित नहीं है, वो आपके आज को मजबूत बनाना चाहते हैं और आपके कल को भी बुलंद बनाना चाहते हैं।